हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। देखिए, आपको मालूम है नीट एग्ज़ाम रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है और ये सीबीआई ने किया है। सीबीआई ने 8 कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है, मास्टरमाइंड सहित। ये लोग बहुत बड़ा रैकेट चलाते थे और विशेष रूप से दिल्ली और हरियाणा में ये काम करते थे। ये फार्म फर्जी नाम से भरा करते थे, फिर उनके स्थान पर कोई दूसरे कैंडिडेट को बैठालते थे। मतलब बहुत बड़ी इनकी प्लानिंग होती थी। इसके एवज में एक एक सिलेक्शन पर कई कई लाख रुपए लेते थे। इससे होता क्या था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन बच्चों का कहीं कहीं नुकसान होता था। उनको सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जगह पर कोई दूसरा बच्चा आकर के सीट उनसे छीन लेता था, तो उनके साथ पढ़ने लिखने के बाद भी वो सीट तक नहीं पहुंच पाते थे। अब सब कुछ भंडाफोड़ हो चुका है, सीबीआई ने कर दिया है। और इधर राजस्थान का केस है और स्टेट के केस आ रहे हैं। इस तरीके से एनटीए ज़बरदस्त कटघरे में खड़ी हो रही है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब केस तो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कम से कम 2 महीने तो केस खिंचेगा ही खिंचेगा, 2-2.5 महीने। फिर आर्डर आएगा, देखते हैं क्या होता है। अगर कहीं आर्डर आ गया कि नीट एग्ज़ाम फिर से होगा और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाओगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। ऐसी कंडीशन में होशियारी यही है कि जैसे आप पढ़ाई पर लगे थे सेम कंडीशन में आ जाइए, एक्टिव मोड में आ जाइए और पढ़ाई पर अटैक कर दें। ये आपकी होशियारी है। और अगर रिजल्ट का इंतजार करोगे तो कहीं आप लास्ट में ना आ जाएं, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। इसलिए मुझे सचेत करना ये मेरा काम है, मानना न मानना ये आपका काम है। अगले वर्ष 2023 में नीट का एग्ज़ाम मई में होगा, मई के फर्स्ट वीक में होगा। तो तैयारी कंटिन्यूस रखोगे तो एक तरीके से 2023 की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। वो एग्ज़ाम भी आप के लिए आप रेडी रहोगे। तो 2 फायदे हैं। और सिलेक्शन हो गया तो कोई फर्क नहीं, ये तैयारी हमारी MBBS में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। आप लास्ट कहीं से नहीं रहोगे भाई मेरा, इसलिए लग जाइए, जुट जाइए उसी स्पीड से जैसे आप पहले लगे थे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। ओके।